उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को मंजूरी दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक भावनाएं जीवन के अधिकार से बड़ी नहीं है। इस यात्रा के आयोजन से देश के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए राज्य सरकार खुद ही इस पर विचार कर निर्णय ले। कोर्ट ने सुनवाई सोमवार 19 जुलाई के लिए टालते हुए ये भी कहा कि अगर राज्य सही निर्णय नहीं ले पाता तो वह खुद आदेश जारी करेगा। और वहीं बुधवार 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिंटन नरीमन और बीआर गवई की बेंच ने मामले पर स्वयं संज्ञान लिया था। कोर्ट ने कहा था कि उत्तराखंड ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए यात्रा रद्द कर दी है, लेकिन यूपी ने ऐसा नहीं किया है। राज्य सरकारों का यह रवैया लोगों को भ्रमित करने वाला है। कोर्ट ने मामले में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि यात्रा 25 जुलाई से शुरू होनी है, इसलिए इस मसले पर जल्द सुनवाई जरूरी है। और वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की चिंता से सहमति जताते हुए कहा कि इस यात्रा को सांकेतिक रूप से चलाना बेहतर होगा। केंद्र के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ियों का अपने इलाके के मंदिर तक आना कोरोना के लिहाज से उचित नहीं होगा। बेहतर होगा कि टैंकर के जरिए गंगा जल जगह जगह उपलब्ध करवाया जाए। हालांकि इस बारे में फैसला राज्य सरकार को ही लेना होगा। ग्लोबल इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने गुरुवार को नए इंटरमीडिएट गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के अनुपालन में अपनी पहली मासिक रिपोर्ट जारी की है, जिसे आईटी नियम 2021 भी कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने 15 मई से 15 जून 2021 तक भारत को इस 30 दिनों की अवधि के दौरान कुल 2 मिलियन भारतीय अकाउंट पर बैन लगा दिया है, जबकि इस अवधि के दौरान उसे कुल 345 रिपोर्ट मिली। प्लेटफॉर्म दुनिया भर में एक महीने में लगभग 8 मिलियन अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहा है। व्हाट्सएप ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि हमारा मुख्य ध्यान खातों को बड़े पैमाने पर हानिकारक या अवांछित संदेश भेजने से रोकना है। हम ऊंची या असामान्य दर से मैसेज भेजने वाले इन खातों की पहचान करने के लिए उन्नत क्षमताओं को बनाए हुए हैं, और अकेले भारत में 15 मई से 15 जून तक इस तरह के दुरुपयोग की कोशिश करने वाले 20 लाख खातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी व्हाट्सएप अकाउंट जो +91 से शुरू होने वाले नंबर के साथ रजिस्टर है, उसे प्लेटफॉर्म पर भारतीय अकाउंट माना जाता है। जिन 2 मिलियन भारतीय अकाउंट्स पर इसने बैन लगाया गया है, वे इसके 3 स्टेप प्रोसेस के अनुसार थे। ऐसे 95% से ज़्यादा अकाउंट्स को बैन कर दिया गया था जिन्होंने स्वचालित या ब्लैक मैसेजिंग का गलत इस्तेमाल किया था। अफगानिस्तान के हिंसाग्रस्त कंधार में जारी खूनी संघर्ष के बीच एक भारतीय पत्रकार की हत्या कर दी गई। अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मुंडेज ने शुक्रवार को सूचना दी कि कंधार में गुरुवार को भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की कवरेज के दौरान हत्या कर दी गई। वह कंधार में अफगान सुरक्षा बलों के साथ वहां के हालातों की रिपोर्टिंग कर रहे थे। वो देखिए रिपोर्ट। अफगानिस्तान के कंधार में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत हो चुकी है। वह अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम करते थे। अफगानिस्तान के समाचार चैनल टोलो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सिद्दीकी की मौत स्पिन बोल्डक इलाके में हुई है, जो कंधार प्रांत में स्थित है। यहाँ इस समय भीषण हिंसा जारी है। सिद्दीकी बीते कुछ दिनों से कंधार में जारी हालात की कवरेज कर रहे थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक टेलीविजन समाचार संवाददाता के रूप में की थी और बाद में वह फोटो जर्नलिस्ट बन गए थे। साल 2018 में सिद्दीकी अपने सहयोगी अदनान आबिदी के साथ पुलित्ज़र पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने थे। इन्होंने रोहिंग्या शरणार्थी संकट को कवर किया था। वहीं कंधार में जारी हिंसा की कवरेज से जुड़ी जानकारी वह अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लगातार साझा कर रहे थे। 13 जून को उन्होंने जानकारी दी थी कि वह जिस वाहन में सवार थे उस पर कई हथियारों से हमला किया गया। अपने ट्वीट में सिद्दीकी ने लिखा था,
मेरी किस्मत अच्छी रही कि मैं सुरक्षित हूँ और मैंने एक रॉकेट को आर्मर प्लेट के ऊपर से जाते हुए भी देखा। जानकारी के मुताबिक दानिश सिद्दीकी की मौत उस समय हुई है जब तालिबान और अफगान सरकार के सुरक्षा बलों के बीच जंग हो रही थी, जो अब भी लगातार जारी है। विदेशी सैनिक 20 साल चली लड़ाई के बाद अफगानिस्तान से जा रहे हैं, जिसे तालिबान अपनी जीत के तौर पर अब देख रहा है और लगातार देश के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सों पर कब्जा करना चाहता है। बीते दिनों तालिबान ने दावा किया था कि उसने देश के 85% हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है। तालिबान ने देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में स्थित कई जिलों और बॉर्डर पर क्रॉसिंग को अपने कब्जे में ले लिया। सरकार का आरोप है कि तालिबान ने 34 प्रांतों में से 29 में मौजूद हजारों सरकारी इमारतों को क्षति पहुंचाई है, जबकि तालिबान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। अफगान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी नादेन नादेरी ने काबुल में कहा कि सुरक्षा बल तालिबान को पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसके कब्जे वाले जिलों को दोबारा अपने नियंत्रण में लिया जा सके। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिद्दीकी ने हाल ही में एक पुलिसकर्मी को बचाने के लिए अफगान विशेष बलों के मिशन पर रिपोर्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे वह पुलिस का जवान अपने साथियों से अलग हो गया था और तालिबान से घंटों तक अकेले ही लड़ा था। दानिश ने अपनी रिपोर्ट में उन तस्वीरों को भी शामिल किया था जिसमें अफगान बलों के वाहनों को रॉकेट से निशाना बनाया गया था। ऐसी खबर है कि इसी नाम के प्रांत की राजधानी दक्षिणी शहर कंधार में और इसके आसपास तालिबानियों और अफगान बलों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। तालिबान ने शहर के पास के प्रमुख जिलों पर कब्जा कर लिया है। कंधार में हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं और यह जंग का अखाड़ा बन चुका है। कंधार के इसी बिगड़ते हालात के मद्देनजर भारत ने भी 10 जुलाई को कंधार में वाणिज्य दूतावास से लगभग 50 राजनयिकों, सहायक कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को भारतीय वायुसेना की उड़ान से निकाला और देश वापस बुला लिया था। स्पेशल डेस्क आर्य। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।